क्या आपने कोई खाना खाया था दोपहर को? चावल खाया, चावल खाया। मैंने सुबह का नाश्ता किया और पराठा खा के गई थी सुबह। तो चलिए ठीक है, अब घर जाते हैं और माँ जी का सरप्राइज माँ जी को देते हैं। आज पापी पता है क्या हुआ है? यहाँ पे ना अंदर इन्होंने फूल लगाए हुए हैं ना, 5,000 रुपया जुर्माना तोड़ना। मैं एक तोड़ के ले आई हूँ। बाजी ने तो डांट दी है, वैसे पापा जी को एक दे देती, 3 तोड़ी है मैंने, 3 उसमें से एक अब्बा जी को दे देती, क्या पता ना ही डांटते हो मुझे। इसीलिए डांटा हो, अम्मा जी के लिए तोड़ के लाई है, मेरे लिए तो तोड़ के लाई। मम्मा तारीफ कर दें कोई मेरे फूलों की, आपके लिए इतनी मेहनत से चुरा के देखिए। ओनम सारे सुख सुख गए ने, मम्मा की तारीफ कर रहा हूं, तारीफ दे काबिल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इतनी शदीद धूप है कि इस धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही, फुल गर्मियां आ चुकी हैं अभी से ही। अभी बकरा ईद आनी है, मुझे तो उसकी टेंशन पड़ गई, उस पर तैयारियाँ शेयरियाँ हम कैसे करेंगे। और आप भी सोच रहे होंगे मैं आज कहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैं आई हुई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी यूनिवर्सिटी भी विज़िट करवा दूं। लेकिन उससे पहले पहले मेरा एक शैतानी दिमाग चल पड़ा, मैंने अपनी माँ जी को आज सरप्राइजेस देने हैं, जिसमें से उनके लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लेके जाऊंगी और साथ में फ़्लावर लेके जाना है मैंने। और मेरा फ़्लावर आ गया इनके ऊपर। ओहो, मेरा फ़्लावर नहीं आ गया, मेरा दिल आ गया इन फ्लावर्स के ऊपर। इस गर्मी की वजह से मेरे जो है ना दिमाग उड़ चुका है। पानी की बोतल मैंने अपनी यहाँ पे रख दी है, ठीक है। ये मेरी माँ जी ने मुझे साथ ठंडा ठंडा पानी डाल के देते हैं, 7 अप नहीं है, स्प्राइट नहीं है, ये ना समझना ये सादा पानी है इसके अंदर। क्योंकि जो मेरी दूसरी पिंक बोतल थी वो टूट गई है, तो माँ जी ने कहा ऐसे तुम नहीं जाना, अपने जो पानी है साथ लेके जाओ। और मैं अपनी इस यूनिवर्सिटी के आपको प्यारे प्यारे से जो है परिंदे वो दिखाती हूँ, जिसमें मोर है और डक भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, आए हम चलते हैं और जाके देखते हैं। ये यहाँ का छोटा सा एक मिनी जू है हमारी यूनिवर्सिटी का। मैं अपनी क्लास ले चुकी हूँ और बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ भाई का, पापा आएंगे या शाहिद आएगा लेने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही, उन दोनों की ड्यूटी है मुझे लाना छोड़ना। तो देखते हैं, अभी उनको कह रहे हैं हमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, मेरे घर से बहुत दूर है यूनिवर्सिटी। तो मैं फ्री थी, मैंने कहा चलो क्यों ना आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट करूं। और एक और मज़े की बात बता दूं, मेरे ये जो जितना फ्लावर्स के ऊपर दिल आ रहा है ना, इन सारे फ्लावर्स के ऊपर, यहाँ पे एक भी फ्लावर तोड़ने का 5,000 का पता नहीं 500 फाइन है। बस मैं गार्ड की नज़रों से छुप छुप के एक फ्लावर तोड़ के अपनी माँ जी के लिए ले जाऊँ। तो जी जैसे ही इन्होंने मुझे देखा बोलना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए। और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, इनकी मोरनियाँ पता नहीं बेचारी कहाँ पे है। ओए अपनी मोरनियों का ख्याल रखा करो, समझ आ रही है? गाइस हमारे घर में भी मोर होते थे, लेकिन हमारा पूरा मोहल्ला उनसे तंग आ गया और उन्होंने कहा भाई साड़ी नींद नहीं पूरी होती। हमारे घर में मोर भी थे, तीतर भी थे, बटेर भी थे, ऑस्ट्रेलियन तोते भी थे, मतलब आधा घर, आधा हमारे घर में ना चिड़ियाघर था। ऐसे अभी भी हमारा घर चिड़ियाघर से कम नहीं है। और ये देखिए जी, ये कबूतर है, वो तो क्या नाचो भाई? गाइस फाइनली मुझे पापा जी लेने के लिए आ चुकी हूँ, ठीक है। और अब मैं जल्दी से घर जाने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम सलाम जी।
ठीक है आप? चले जी अब हम लोग घर जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं, खाना शाना खाते हैं। आपने अपने खाना खाया था दोपहर को? चावल चावल खाया, मैंने सुबह का नाश्ता किया और पराठा खा के गई थी सुबह। तो चले ठीक है अब घर जाते हैं और माँ जी का सरप्राइज माँ जी को देते हैं आज। पापा पता है क्या हो गया, यहाँ पे ना अंदर इन्होंने फूल लगाए हुए हैं ना, 5,000 रुपया जुर्माना है तोड़ना। मैं एक तोड़ के ले आई हूँ, उनको पता ही नहीं चला कार्ड को। बेटा बुरी बात है, चोरी करना तो बहुत बुरी बात। मम्मा के लिए लिया था ना, मम्मा के लिए लो, पापा के लिए भी, किसी के लिए बुरी बात बोलनी तो बुरी बात होती है। आप लोग भी सुन ले, बुरी बात है कुछ के दो। लेकिन पापा मैं बता भी तो देती हूँ, नहीं कार्ड ने पूछा था, आपने कार्ड ने पूछा था, फिर मैंने बता दिया था हाँ जी बस एक ही तोड़ा है। वो ना नीचे से नीचे को हुआ था, पहले पूछो उनसे कि भी मैंने एक पेड़ तोड़ा वो फिर तोड़ने नहीं देते। चलें जी गाइस, थोड़ी थोड़ी सी क्लास होगी आपके सामने, बाकी की घर जाके मम्मा जी को देते हैं तो फिर उनसे भी थोड़ी क्लास लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं। One hour later. नहीं जी गाड़ी में ही, मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ 4:30 बजे की कंटिन्यूसली, और जब गाड़ी रुकी है शोर हुआ हल्की हल्की, मेरी आंख खुली है, मैंने कहा एकदम मैं डर गई, मैंने कहा पापा जी कहाँ चले गए हैं। तो जी पापा जी यहाँ पे तरबूज चेक कर रहे हैं और लाल लाल निकाल रहे हैं, क्योंकि अम्मा जानी को तरबूज बहुत पसंद है। गर्मियों में माँ जी कहती है रोज ले आओ दवाना, ठंडा ठंडा करके खवाओ मैनू। तो पापा एक एक दाना जो है ना चेक कर करके निकाल रहे हैं, यहाँ पे पापा ये तरबूज निकाल रहे हैं। और स्यापा मैं अपना जो पाउच था जिसके अंदर मेरा रोबड़ा था, हाँ जी क्या एक मिनट बेटा, ये लो बेटा है अंदर। गाइस मेरा है कोई काम नहीं, मैं ना क्या कहूँ, मैं अपने आप को, पापा मुझे घूर के देख रहे हैं, तुमसे अपना बाया नहीं संभाला जाता। तो ये शुक्र है बाइक ने, एक बाइक में मेरा बाया आया था, इतना गंदा आया था, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र मैं गिरते गिरते बच गई थी, लेकिन मेरे बाइक के पीछे से ये शेप हो गई थी और सारा मेरा वेस्ट हुआ था। अब हम लोग घर जाते हैं, मैं अपनी बात बता रही थी, मैं स्यापा क्या मैं कहूँ अपने आप को, अपना पाउच जो है मैं क्लासरूम में भूल आई हूँ, जिसके अंदर मेरा रोबड़ा है, मेरा पैसा है, ये खुले थोड़े से पैसे थे जो मेरे बैग में पड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरा वावा ही खजाना था। और मैं अपनी बेस्टी को फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ उठा लो मेरा वहाँ से पाउच, और मेरा मेरी कॉल भी नहीं रिसीव कर रही, मुझे उसकी अलग टेंशन पड़ी हुई है, फिर भी मैं सो गई बैठी बैठी यहाँ पे। तो अब घर जाते हैं जाके माँ जी को उनके फ्लावर देते हैं, अब्बा जी ने तो डांट दी है, वैसे अब्बा जी को एक दे देती, तीन थोड़ी हैं मैंने, उसमें से एक अब्बा जी को दे देती, क्या पता ना ही डांटते हो मुझे, इसीलिए डांटता हो, अम्मा जी के लिए तोड़ के लाई है, मेरे लिए नहीं तोड़ के लाई। बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये ले जी कबूल कीजिए, फूल बड़े बड़े ले आई मेरे पास, अभी कबूल तो करे, कैसे लगे? थैंक यू, मुरझा गए हैं जरा। अब एक बात बताओ, गर्मी थोड़ी है, ये फूल जो है ना चोरी की है, चोरी के फूल यूनिवर्सिटी से चुरा के लेके आई हूँ आपके लिए, चुराने की होते हैं दुनिया सारी तोड़ दी है। नहीं तोड़ते, वहाँ पे 5,000 फाइन है, मुझे गार्ड ने पकड़ लिया था। हाँ जी ये देखो जी, एक हमारा ये टिंडू मूसा, टिंडू इधर, ये क्या करवा के आ गए हो, इससे भी टिंड करवा लिया, और यहाँ पे ये दुआ बीबी ने भी टिंड करवा दी है, दो टिंडे हमारे घर आ गए हैं, वो कह रहे तुसी तो टिंडे पकांदे नहीं हो, असी टिंडा करा लिए। मम्मा तारीफ कर दें कोई मेरे फूलों की, आप गई इतनी मेहनत से चुरा के देखे, ओनम चारे सुख सुख गए मम्मा दी की तारीफ करा हूं, तारीफ दे काबिल दिल दुखा दिया आपने, तारीफ दे काबिल ही ना के सुख के ते वंज मर जा गए, पता नहीं केड़ी किताब च रखी रहते, इतनी मुश्किल से मैंने चुराए हैं और छुप छुप के लेके आई हूँ, अभी मैं आपके लिए चीजें भी लेके आनी थी ज्यादा सारी, मेरा अम्मा ही पाउच उधर रह गया क्लासरूम में, और मैं अपनी फ्रेंड को कॉल पे कॉल करी, वो कॉल भी नहीं अटेंड कर रही, अब मैं एक घंटा वापस अपनी यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती। और मम्मा आपने कौन सा सुबह देसी टोटका मारा है, मुझे माँ जी ने 7 अप की बोतल में पानी डाल के दिया और ऊपर करशी जामे श्री का ढक्कन लगा के दिया,
फिर की हो गया बंद किया ना ये। चलो जी माँ जी वो गाड़ियां चलाने लग गए, तरबूज काटने लग गया। मूसू फ्रिज में रखो, ये ले लो आप, ये फ्रिज में रखो। इसको तो कोई भी चीज में जैसे गाड़ियां ही चलानी होती है। वो मूसा ने ले लिए फूल। मूसा ब्यूटीफुल है, मूसा का दबरे पारे फूल है। थैंक यू। उससे भी कह दिया माँ जी तुसी रखो मुरझाए फूल। चलो मुरझाए हैं जिधर आए हैं, माँ बेटी ने ख्याल भी आया ना। हाँ खुशबू तो आ रही है। A few moments later. चलें जी गाइस, हिना तो जो है ना वो बड़ी परेशान बैठी हुई, इसका पाउच जो है ना वो यूनिवर्सिटी में रह गया। हिना क्यों परेशान हो, कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो, सदका समझ के छोड़ दो, भूल जो। नहीं चलो पैसे तो कागज ने कोई कार्ड ने। हाँ ये तो है, यूनिवर्सिटी कार्ड और जो है ना आईडी कार्ड वगैरह वो तो बहुत जरूरी चीजें होती है। सारा कुछ था उसमें, सब कुछ उसके अंदर था। दे कोई ना कोई, नहीं वहाँ इतनी अमाम होती है, किसने देना कुछ उठा के, या तो कोई फेंक गए जाए या कोई पैसे वगैरह अगर निकाल लिए तो। पैसे भी थे, पैसे भी लाख रुपया होना है, कुछ 15,000 रुपया था। तो फिर तकरीबन शुक्र है यार तुमने कॉल उठा लिया। वालेकुम सलाम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर जाओ क्लास में ना, माफी मेरा चेयर पर पाउच पड़ा है, उठा ले प्लीज। मेरा जो पाउच है पैसे वाला कार्ड शार्ड वाला यार भूल गई थी। इतने बादाम खिलाते उसके बावजूद भी भूलती है। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम तो कहती हो ना मैं तुम्हारी बहन हूँ। यार उठा लो देख लो, काम दे वाली सारे बदल जाते। बस तुम भागी भागी जाओ उठा के लिए। यार जल्दी चली जाओ, इधर तुम इतनी बातें कर रही हो, वहां से किसी ने उठा देना है। वो पीछे से मम्मा जी, मेरी मम्मा जी कह रही है पीछे से, याद रखो फिर तो मम्मा जी को माँ जी कहती हो। जी तो मैं चेंज करके आके बैठ गई हूँ, अपना डिनर शिनर लेके, खापे शापे लेके। और आज के मेरे डिनर में है राइस, शामी टिक्की, के कबाब क्या है, चलो वो है, साथ में दाल है और ये जामिश्री वाला दूध। यहाँ पे बच्चा पार्टी लगे हुए, ये कौन सा तरीका है मूसा, गिर जाओगे। ये दो टिंडे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और दुआ की जो कटोरी है वो नीचे है, इसने गिरा दिए है। माँ जी आपने खा लिया खाना? खा लिया। खुश है आज आप मुझसे? खुश तो है, तू सुबह सुबह भी काम दिखा के आई, तो हूँ फिर दिखा के आई। क्या सवेरे सवेरे आके तू यार ड्राइविंग सीखती फिर दी। गाइज आपने मेरी ड्राइविंग वाली, जिसने नई वीडियो देखी ना वो जाके लाजमी देखे, और मुझे शाबाशी ज़रूर दीजिएगा। और बताइए मुझे 10 में से आप लोग कितने मार्क्स देते हैं। और अब जी मैं अपना खाना छाना खाने लगी हूँ, और मैं यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड, बिकॉज आप लोगों की हिना की हो चुकी है। बस सुबह से मैं उठी हुई हूँ और इस टाइम मुझे नहीं समझ आ रहा। ओ दुआ मेरे सर में लग रही है दुआई, टक टक, ये बच्चे नहीं हटते, ये देखो टक टक करती है ना। और ये डोडो हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, डोडो हेलो डोडो, राइस खाए? डोडो नाराज हो, डोडो ने भी फ्लावर लेने, अभी डोडो की भी टिंडी होगी।
गाइज बताएं, वोट करें डोडो की टिंड होनी चाहिए कि नहीं। हमारे घर में दो टिंडियां तो हो गई, अब तीसरी टिंडी भी होनी चाहिए। क्यों, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। मेरे बचपन में माँ बाल काटते थे, क्या मैंने तूफान खड़ा किया वो जो थी पार्लर वाली की। मैंने तुम्हारे पोलर से बाहर नहीं जाना। तो बड़े तमाशे किए मैंने बचपन में। ओके जी, पूरी रात तक जिधर पापा नहीं आए उन्हें आगे कर गया बेटे बाल बड़े हो जाएंगे, परेशान ना बड़े हो जाएंगे बाल। हाँ फिर जाके जान छड़ी चीजा चूजा लेके अपने फूल छुल वखा दो जेने थोड़े बहुत रह गए सी। ओ बिल्कुल ही सूख गए ने। ले ये थे गाइस मेरे फ्लावर, वो इतने प्यारे सी थे, खिले हुए सारे सूख गए, लेकिन इनमें मई मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए संभाल के रखे बस। सही है, इतनी दूर मेरी टी ले आई तोड़ के। चलो गाइस अब मैं अपना खाना शाना खा लूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें।